Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely student of class 3. Welcome back again to my class of mathematics. Today in this video, Nazia madam is going to explain some remaining topics of the textbook from NCERT mathematics textbook. Chapter number 13, smart chart. Some remaining topics she will explain first, and then she will using a notebook. She is going to explain pictograph. Okay, so how to draw, so you have to learn how to draw the pictograph from the given data and how to attend the question answers from the pictograph. Okay students, so let's see the further video to understand. वाला जो आप देख सकते हो अब स्क्रीन पे ये किया था, राइट? तो इसी की रिगार्डिंग अब आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय डैश. मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा. तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा, द मोस्ट यानी कौन सा है जो स्कूल जाने के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वे ऑफ ट्रैवल, राइट? सो फॉर दैट वी विल सी ऑन द बार ग्राफ. सो लेट्स सी बार ग्राफ. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ऑन फुट, उसके हमने काउंट किए थे ना, 11 थे. 11 स्टूडेंट्स से जो ऑन फुट आते थे, यानी चल के आते थे, वॉक, राइट? सो विच वन ऑन फुट. सो लेट राइट दिस आंसर इन द टेक्स्ट बुक. हियर वॉकिंग ऑन अ फुट वी गेट आंसर. यस और नो स्टूडेंट्स? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल is dash means more or less than the students coming on bicycle. यानी जो students चल के आ रहे हैं वो bicycle पे आने वाले से more ज़्यादा है या less कम है. तो हमें पता है students walking to school अभी हमने देखा 11 थे, और bicycle पे कितने थे? So bicycle पे हमने देखा था, let's see on the graph कि कितने हैं bicycle पे. So here bicycle has 5. तो अब 11 और 5, सो ऑन फुट मोर होंगे कंपेयर टू बाइसिकल और लेस स्टूडेंट्स? एनी गेसेस? बोलो 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 बोलो. यस, व्हाट वी गेट? वी गेट आंसर मोर, मींस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज मोर देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. नाउ द सी क्वेश्चन, द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय. मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा हमने देख लिया था, लीस्ट यानी अब सबसे कम. तो कौन सा सबसे कम है वे ऑफ ट्रैवलिंग टू गो टू स्कूल? सो लेट्स सी ऑन अ ग्राफ. तो आप देख सकते हो ट्रैक्टर में सबसे कम ओनली 3 स्टूडेंट्स वेयर देयर. ओके, सो व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स? Tractor. So let's write this answer in your book. So here we write the tractor. तो ये तीनों answer आपको textbook में लिखना है. आपको जैसे ही ये bar graph हमने draw किया था उसके next page पे ही एक question answer थे. Okay students, now इसी के regarding let's see the next. आपके textbook में इसके नीचे ही दिया है जो आपका question है. So first question is that student, नाउ प्रैक्टिस टाइम है, विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स. यहाँ पे देख सकते हो पैरोट एंड पीकॉक, किसमें सबसे ज़्यादा कलर्स है स्टूडेंट्स? एनी गैसेस? यस, पीकॉक. पीकॉक में सबसे ज़्यादा कलर है ना, कैन यू सी इन द पिक्चर? यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट, विच इज द एनिमल विच इज लाइक्ड मोस्ट एज अ पैट. एज अ पैट यानी घर पे हम पैट एनिमल रखते हैं ना, वो उसमें सबसे ज़्यादा है. तो कैट, माउस और स्नेक. सो स्टूडेंट्स हमें पता है हम माउस को पसंद करेंगे, स्नेक को? नो. हमें घर पे पैट कौन सा एनिमल? वी लाइक टू, यस, कैट हमें पसंद करेंगे ना. घर पे पैट एनिमल्स, स्नेक को हम घर पे पैट एनिमल्स रख सकते? नो. माउस को भी रख सकते? रख सकते हैं, बट मोस्ट सबसे ज़्यादा कैट को रख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स मैंने टेक्स्ट बुक में आपका ये लेसन फिनिश कर दिया है. नाउ अब मेरे पास एक्स्ट्रा भी आपके CW के रिगार्डिंग एक्सरसाइज है, रिगार्डिंग दिस स्मार्ट चार्ट ड्रॉ करने हैं. सो वो एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स दैट एक्सरसाइज. सो नाउ स्टूडेंट्स अभी अब हम देखेंगे नेक्स्ट. मैंने जैसे आपको बताया था आपको पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ क्या होता है वो हमने अभी देखा, राइट? अभी हम
पिक्टोग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने आपके ये एक्सरसाइज ली है, राइट। क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ फॉर द गिवन स्टूडेंट्स कोड मार्क्स आउट ऑफ 100। तो हमें यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दिया है कि स्टूडेंट्स है और उसने मार्क्स कोड किए हैं 100 में से वो दिया है, उसके ऊपर से हमें पिक्टोग्राफ इसके ये डेटा के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। एंड हियर द वर्ड की क्यों दी है कि जैसे से हमने एबसेंट स्टूडेंट्स वाला पिक्टोग्राफ दिया था जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट थे तो हम स्माइली ड्रॉ करते, यानी वन स्टूडेंट के लिए वन स्माइल, बट हियर वन स्टूडेंट वन स्माइली दैट इज द की फॉर ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ। यानी मैंने जैसे पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन में ही दिखाया था दैट ईच पिक्चर कंटेन्स द नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो वैसे ही हमें यहाँ पे की प्रोवाइड की है दैट वन स्टार। अब यहाँ पे स्टार मीन्स हमें पता चल गया हमें पिक्टोग्राफ कौन सा पिक्चर यूज करना है, वी यूज स्टार रिप्रेजेंट 10 मार्क्स। हमें ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर ड्राइंग द पिक्टोग्राफ, यानी एक स्टार हम ड्रॉ करेंगे उसका मतलब होगा 10 मार्क्स द स्टूडेंट स्कोर्ड, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हमें ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, सो फॉर दैट स्टूडेंट्स यू हैव टू डू हियर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन राइट लाइक दिस एंड द मार्क्स हियर बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द स्टार्स ओवर हियर, देन आई एम ड्रॉइंग द टेबुलर फॉर्म। हम टेबल्स अच्छे से करेंगे ना, यस और नो। सो स्टूडेंट्स लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब वन बाय वन सबसे पहले है सारा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारा, राइट। नाउ सारा स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स, 90 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम एक स्टार ड्रॉ करेंगे सारा के सामने यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ वन स्टार मीन्स 10 मार्क्स, हियर की रिप्रेजेंट दैट वन स्टार, यानी ये 10 मार्क्स है स्टूडेंट। तो 90 मार्क्स के लिए हमने कितने स्टार ड्रॉ करने होंगे स्टूडेंट्स, एनी गैसेस? ऑब्वियसली चलो हम बारी बारी से ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। सो वन स्टार 10 मार्क्स, वन मोर मीन्स 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सो 90 मार्क्स कंप्लीटेड, यानी हमें सारा के सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, हमें 9 स्टार ड्रॉ करने हैं बिकॉज सारा स्कोर 90 मार्क्स, राइट। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट हम एक लाइन छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट नेम इज जारा, सो आई एम राइटिंग जारा हियर। नाउ जारा स्कोर हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स, 20। सो फर्स्ट टाइम ड्रॉइंग वन स्टार मीन्स हाउ मेनी, 10 मार्क्स, हमें टोटल 20 मार्क्स, सो 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, सो 20 मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स, यस और नो? ओके, देन नेक्स्ट है अली, नाउ आई एम लीविंग लाइन राइटिंग अली इन द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ अली स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मच? 50। तो हम बारी बारी से ड्रॉ करते हैं, 10 मार्क्स, 20, 30, 40 एंड 50, मीन्स हाउ मेनी स्टार्स वी हैव टू ड्रॉ, 1, 2, 3, 4 and 5 स्टार्स वी हैव टू ड्रॉ फॉर अली, यस और नो? देन नेक्स्ट इज अहमद, अहमद स्कोर हाउ मेनी, 60 मार्क्स, सो 10, 20, 30, 40, 50 and 60, means how many stars we have to draw, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, we have to draw 6 stars for Ahmed. Now next is Kiran, now Kiran scored how many marks, how much? 60, so 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50
एंड 60. सो इन किरण ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ 60 मार्क्स, यानी 6 स्टार्स हमें ड्रॉ करने हैं. एंड द लास्ट वन विच इज योर मैरी. सो मैरी स्कोर हाउ मच? 100 आउट ऑफ 100. एक्सीलेंस इज टू क्लेवर. सो 1 यानी 10 मार्क्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 marks. So, how many stars we have to draw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So, students, हमने यहाँ पे आपका pictograph complete किया. सो पिक्टोग्राफ में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सो सबसे पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ की. ये की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. की में हमें पिक्चर्स भी देंगे कि कौन सा पिक्चर हमें यूज़ करना है. हो सकता है कि जैसे आपके टेक्स्ट बुक में स्माइली दिया था, यहाँ पे क्या दिया है? स्टार. यानी हमें स्टार्स ड्रॉ करने हैं एंड 1 स्टार रिप्रेजेंट 10 मार्क्स. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये ड्रॉ करना है. ठीक है स्टूडेंट्स? सो जैसे आपको समझ में आ गया, सारा के 90 थे तो हमने 9 स्टार्स ड्रॉ किए. ज़ारा के कितने थे? 20, तो 2 स्टार्स, 10 मार्क्स, राइट. अली में 50 मार्क्स, सो 5 स्टार्स. अहमद में 60, सो 6 स्टार्स. किरण के भी 60, सो 6 स्टार्स. एंड मैरी के 100, सो हमने 10 स्टार्स ड्रॉ किए. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब पिक्टोग्राफ के ऊपर से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है, राइट. सो दूसरा मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर है. सो लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन पिक्टोग्राफ. तो हमें यहाँ पे ये देख सकते हो, एक पिक्टोग्राफ दिया है. पिक्टोग्राफ शोज हाउ अ क्लास ऑफ अ चिल्ड्रन ट्रैवल टू स्कूल. यानी स्कूल के बच्चे जो है चिल्ड्रन, वो ट्रैवलिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर से, यानी टाइप ऑफ ट्रैवल्स दिया है. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉ किए हैं, राइट स्टूडेंट्स. एंड वॉक में स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 स्माइलीज है. बस 1, 2 स्माइलीज. स्कूटर 1, 2, 3, 4 स्माइलीज. देन बाइक 1, 2, 3 स्माइलीज. कार में 1, 2, 3, 4, 5 and 6 स्माइलीज. नाउ स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया, ये हमारा पिक्टोग्राफ है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है. बट स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर, हियर अ की. जैसे मैंने अभी आपको एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, उसमें भी की दी थी दैट 1 स्टार रिप्रेजेंट 10 मार्क्स. वैसे ही यहाँ पे की दी है दैट 1 स्माइली रिप्रेजेंट 2 चिल्ड्रन. यानी एक स्माइली का मतलब होता है वो 2 चिल्ड्रन कंसिडर करता है. यस और नो? तो उसके ऊपर से अब क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन ट्रैवल बाय स्कूटर. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन से पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, सो ईजी रहेगा क्वेश्चन आंसर के लिए. येस और नो? तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 1 स्माइली रिप्रेजेंट 2 चिल्ड्रन. तो यानी वॉक में 2 चिल्ड्रन, यानी यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. यानी 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10. यानी वॉक में आएंगे 12 चिल्ड्रन और 10 स्टूडेंट्स. येस और नो स्टूडेंट्स? ओके, देन नेक्स्ट इज अ बस. बस में कितने हैं? 2 स्माइली, यानी 2 प्लस 2. सो व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स? 2 प्लस 2 4 चिल्ड्रन और 4 स्टूडेंट्स. ओके, देन स्कूटर. स्कूटर में कितनी स्माइलीज है? 4, यानी 2 प्लस 2 प्लस दिस वन 2 एंड 2. मीन्स 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8. मीन्स 8 चिल्ड्रन और 8 स्टूडेंट्स. ओके, बाइक में है 3 स्माइलीज, सो 2 प्लस 2 प्लस 2. यानी 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 चिल्ड्रन. यस और नो? एंड 6 स्टूडेंट्स. नाउ कार. कार में कितनी स्माइलीज है? 6, यानी 2 प्लस 2
प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, सो टू प्लस टू फोर, प्लस टू सिक्स, प्लस टू एट, प्लस टू टेन, प्लस टू ट्वेल्व. सो कार में आएंगे 12 चिल्ड्रन और 12 स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने काउंटिंग कर लिए बिकॉज क्वेश्चन आंसर इजी रहेंगे उसके लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी चिल्ड्रन ट्रैवल बाय स्कूटर. स्कूटर में हमें यहाँ पे स्टूडेंट स्माइली काउंट करके नहीं लिख देना है कि 1 2 3 4 चिल्ड्रन. नो, हमें काउंट करना है बिकॉज हमें पता है यहाँ पे की प्रेजेंट की है कि वन स्माइली रिप्रेजेंट टू चिल्ड्रन. यानी अगर हम एक ड्रॉ करें उसका मतलब होता है टू चिल्ड्रन. यानी स्कूटर में हमने यहाँ पे काउंट किए, क्या आंसर मिला, एट चिल्ड्रन. तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर में दैट वी गेट आंसर एट चिल्ड्रन. So eight children we have to write down over here. Understood? Okay. Now next, how many children travel by car? अब कौन सा है car? Car में हमें क्या answer मिला students? 12 children. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 children is we get answer. Okay students. Now question C. Which is the least पॉपुलर वे ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल. लीस्ट यानी सबसे कम. सो किस में सबसे कम स्टूडेंट्स जाते हैं, तो यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे 10 चिल्ड्रन, 4, 8, 6 एंड 12. तो आप देख सकते हो 4 इज द लीस्ट यानी सबसे कम. तो क्या आएगा, बस. तो यहाँ पे आंसर आएगा बस, बाय बस. ओके, देन क्वेश्चन डी, विच इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल. हियर द वर्ड मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा. सो सबसे ज़्यादा किस में बच्चे जाते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 12 सबसे ज़्यादा है ना, सो बाय कार. तो यहाँ पे आंसर आएगा कार. ओके, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉक and travel by scooter altogether. Here the word students altogether यानी एक साथ walk और travel दोनों का हमें walk and travel by scooter दोनों का एक साथ मिला के number of students find out करने. तो walk कितने हैं, 10 students. 10 students are going by walk and how many travel by scooter, 8 children. अब दोनों को मिला के हमें टोटल ऑल टुगेदर फाइंड आउट करना है. मीन्स 10 और 8 का हमें करना है प्लस. सो 10 प्लस 8 हाउ मैनी वी गेट, वी गेट 18 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर ट्रैवल बाय स्कूटर एंड अ वॉक. समझ में आया, अगर ऑल टुगेदर फाइंड आउट करना है सो वी हैव टू डू द एडिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन. ओके, नाउ वन टू मोर क्वेश्चन, सो लेट्स सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, How many more children travel by scooter than bus? अब स्कूटर में कितने हैं स्टूडेंट्स, 8 चिल्ड्रन एंड बस के कितने हैं 4. तो अब ये फाइंड आउट करना है कि स्कूटर में जो जा रहे हैं हाउ मैनी मोर, कितने. मोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, योर वर्ड मोर यानी ज़्यादा. सो कितने बच्चे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं फ्रॉम स्कूटर कंपेयर टू द बस. यानी स्कूटर के 8 है एंड बस के कितने हैं 4. अब दोनों को हमें कंपेयर करना है. व्हाइल वी आर डूइंग कंपेयरिंग, व्हाइल वी आर गोइंग फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम, वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, राइट. सो 8 माइनस 4, व्हाट वी गेट आंसर, वी गेट आंसर 4 चिल्ड्रन, दैट हैव 4 मोर चिल्ड्रन ट्रैवल बाय स्कूटर देन बस. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. ओके, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर. अब हमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये सारे वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो पहले बाय वॉक होते हैं 10 चिल्ड्रन प्लस बस में 4 प्लस स्कूटर में 8 प्लस बाइक के 6 चिल्ड्रन प्लस कार के हैं 12. सो टोटल हमें फाइंड आउट करने हैं. सो हियर 10 एंड आप देख सकते हो 12 प्लस 8 होते हैं 20 प्लस ये 10 30 और 6 प्लस 4 10 यानी 20 प्लस 30 प्लस 10 यानी टोटल 40 चिल्ड्रन वेर देर ऑल टुगेदर. सो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था.
आपको ये मैंने अलग से एक्सप्लेन इसीलिए किया क्योंकि आपने जो देखे एग्जांपल स्टूडेंट्स उसमें क्या होता था कि आपको टेक्स्ट बुक में वन स्माइली वन रिप्रेजेंट करता था। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिया है, की प्रोवाइड किए, यानी वन स्माइली रिप्रेजेंट टू चिल्ड्रन। हो सकता है दूसरे एग्जाम्पल्स में टू से ज़्यादा हो, थ्री फाइव, जैसे हमने पिक्टोग्राफ अभी ड्रॉ किया था उसमें वन स्टार रिप्रेजेंट 10 मार्क्स, राइट? तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको ये अलग से एक्सप्लेन किया। सो टिल देन आई कंप्लीट टिल हियर, इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई कवर द फर्दर टॉपिक रिगार्डिंग दिस डेटा स्मार्ट चार्ट। ओके।